अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये जो बेल का आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने में मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलनाज राशिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स बाय गुलनाज राशिद। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रोस्ट। मैं दो मुख्तलिफ तरीक़ों से चिकन ब्रोस्ट बनाऊँगी, एक डाइट कॉन्शियस पीपल के लिए एयर फ्रायर में और एक ऑयल में फ्राइंग के साथ। ये बड़े पीसेस लिए हैं चिकन के मैंने और उन पे कट लगा लिए हैं। पहले मैं इनको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी, देन फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। ये 10 पीसेस मैंने लिए हैं और इनको मैं एक बड़े बाउल में ऐड करूँगी जिसमें ये अच्छे तरीके से पानी में डिप हो जाए। ये देखिए, तमाम पीसेस मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, कट भी लगा लिए हैं। इस तरह से कट लगाएंगे ताकि अच्छी सी मैरिनेशन भी हो जाए। सबसे पहले जम्स फ्री करने के लिए मैं इसको सॉल्ट लगाऊंगी। 2 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है मैंने, इस सब के ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। और साथ में वाइट विनेगर यूज़ करूंगी मैं, इससे जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं और टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। 3 टेबलस्पून मैंने वाइट विनेगर ऐड किया है इसमें। अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि ये तमाम पीसेस उसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। अब मैं इसके ऊपर क्लेंच लगा के इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। चेक करते हैं 2 से 3 घंटे के बाद कि देखिए पानी का कलर कैसे चेंज हो चुका है और चिकन हमारा नीट हो चुका है। अब मैं इसे एक बड़े पतीले में रखूंगी, तमाम पीसेस निकाल के मैंने पतीले में ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसमें 3 कप पानी ऐड करूंगी और इसे स्टीम दूंगी। 10 मिनट्स के बाद चेक करते हैं। ये देखिए, चिकन हमारा स्टीम में अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं तमाम पीसेस को 1 बाय 1 निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूंगी। कुछ हद तक ठंडा हो चुका है, अब हम इसकी मैरिनेशन की तरफ आते हैं। यहाँ मेरे पास चिकन ब्रोस्ट मसाला का पैकेट है, ये रेडी मसाला है, इसको मैं यूज़ करूँगी। इसमें तमाम मैरिनेशन मटेरियल ऑलरेडी ऐड है। इसको मैंने एक बाउल में डाला है और साथ में मैं ये यखनी इस्तेमाल करूँगी। चिकन को बॉयल करते हुए ये जो यखनी बची थी ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इसमें तमाम इस पैकेट मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये इस तरह का एक पेस्ट बन गया है और इस पेस्ट से हम मैरिनेशन करेंगे। चिकन हमारे पास बॉयल मौजूद है, ये देखिए ये बॉयल है, अच्छी तरह से गल चुका है और ये मैरिनेट अच्छी तरह से हो जाएगा। कट लगे हुए हैं। अब हम अच्छी सी कोटिंग कर देंगे ताकि तमाम पीसेस पे एक जैसा मसाला लग जाए और मसाला अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए, 2 घंटे की मैरिनेशन के बाद ये कुछ इस टाइप का हो चुका है। अब यहाँ पे 2 पीसेस मैंने एयर फ्रायर में रखे हैं और 15 मिनट के लिए एयर फ्रायर को ऑन कर दूंगी। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। और यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल रखा है गर्म होने के लिए और इसके अंदर मैं 1 बाय 1 ये पीसेस ऐड करूँगी। मैरिनेट हुआ हुआ चिकन इसके अंदर रखते जाएंगे।
तरफ से पहले फ्राई करेंगे, देन हम इसको टर्न करेंगे। थ्री से फोर मिनट के बाद साइड टर्न करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना क्रंची हो चुका है। ये देखिए इसके दोनों तरफ से गोल्डन हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। कलर देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा गोल्डन और कितने क्रंची लुक आई है। इसी तरह से ये बाकी पीसेस भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब एयर फ्रायर से चेक करते हैं, ओपन करते हैं इसे। ये देखिए कितने अच्छे से कुक हो रहे हैं। इनको भी डिश आउट करते हैं। इनका कलर भी देखिए माशाल्लाह से कितना गोल्डन। चिकन ब्रोस्ट हमारा रेडी है दोनों रेसिपीज़ के साथ बना हुआ। इसको हमने ऑयल में फ्राई किया है और ये दो पीसेस हमने एयर फ्रायर में फ्राई किए हैं लेस ऑयल के साथ, लेस कैलोरीज के साथ। इसको सैलड के साथ सर्व किया है। इसको भी आप दाल के साथ, राइस के साथ या जैसे भी चाहें सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत ही बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुश रहिए, याद रखिएगा अल्लाह।